हेलो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक थोड़ा संजीदा है। अभी कुछ दिन पहले लद्दाख में चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में हमारे 20 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, क्या आप में से कभी किसी ने ये सोचा है कि वो परिवार जिसने अपना बेटा खो दिया, जिसने अपने बेटे को सेना में भेजा देश की सुरक्षा के खातिर और वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया, उस परिवार पे क्या गुजरती है? मैं एक छोटी सी पोयम के थ्रू मेरी बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक बेटा खोने के बाद उस सैनिक के परिवार पे क्या गुजरती है। मेरी पोयम का नाम है सैनिक, और मैं सारे सैनिकों को डेडिकेट करता हूँ मेरी तरफ से। एक खबर दूर से आई है, आंखों में आंसू लाई है, सरहद पे मुठभेड़ में मेरे सैनिक ने गोली खाई है। वो बाप ये कैसे सह पाएगा, घर में सबसे कैसे कह पाएगा, जो था घर का कुलदीपक कभी बस अब यादों में रह जाएगा। वो दुल्हन जिसने सपना सजाया था, जिसकी यादों को उसने अपना बनाया था, उसकी बातों का कौन हिसाब देगा, कौन है जो उसे इंसाफ देगा। वो बेटी जो ठीक से पापा नहीं कहती, जब तक बात ना कर ले चुप नहीं रहती, अब कौन उसको कंधे पे घुमाएगा, कौन उससे बाहों में झूला झुलाएगा, किससे लड़ेगी वो पूरे हक से, और कौन उसे विदाई में चुप कराएगा। एक बेटा भी है उसे, एक बेटा भी है उसे जिसे बंदूक पसंद है, फौजियों के कपड़े, फौजियों की बातें और फौजियों का संदूक पसंद है। स्कूल में जीते मेडल अब वो किसे दिखाएगा, वीर पुरुष के किस्से उसे कौन सुनाएगा, किससे करेगा वो जिद गाड़ी की, और कौन उसे मनचाही चीज दिलाएगा, कौन करेगा रखवाली उसकी, और कौन उसके सहरा सजाएगा। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर बहन अब घर नहीं आएगी, शायद वो अपने ससुराल ही रह जाएगी। मामा के घर जाने को बेताब रहते हैं उसके बच्चे, न जाने अब वो कैसे बच्चों को समझाएगी। आखिर में दो लाइन है उस माँ को जिसने अपना पुत्र देश के खातिर कुर्बान कर दिया, और उस पुत्र के लिए जिसने अपनी जान देश के नाम कुर्बान कर दी। धन्य है वो माँ जिसकी तुम संतान, धन्य है वो माँ जिसकी तुम संतान, पुण्य है वो मिट्टी जिसका तुम अभिमान, खाकी वर्दी और तिरंगा जिसकी शान, भारत माँ के बेटे तुम पे दिल कुर्बान, भारत माँ के बेटे तुम पे दिल कुर्बान। मैं ये पोयम हर उस सैनिक के नाम करता हूँ जो सीमा पे हमारे लिए लड़ रहे हैं और जिन्होंने अपनी जान गंवाई। आपकी कुर्बानी किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं की जा सकती। आप हमारे देश के सबसे बड़े हीरो हो। मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जितनी इज्जत फिल्मी सितारों को, क्रिकेटर्स को देते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनसे कहीं ज़्यादा इज्जत, इनसे कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट, या आप ये कह लें या जो भी है, वो हमारे देश के सैनिक डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो असली जंग लड़ते हैं हमारे लिए, हम सभी के लिए। तो मैं चाहता हूँ जितनी रिस्पेक्ट आप बाकी लोगों को देते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट आप जनरल मनोज नरावने, मार्शल राकेश सिंह भदौरिया, एडमायरल करमबीर सिंह, ये हमारे चीफ हैं, ये हमारे आर्मी के चीफ हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, आप इन सभी को उतनी रिस्पेक्ट दें। और जब कभी आप किसी सैनिक को देखें, जब कभी आप किसी फौजी को देखें, तो 2 मिनट निकाल के उन्हें एक सल्यूट करें, उन्हें थैंक्स कहें, जिन्होंने सेल्फलेस रहते हुए हमारी रक्षा की है और आगे भी करते रहेंगे। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा मैसेज अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ गुड डे। जय हिंद, हिंद की सेना।